नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आइए आज हम बनाएंगे साउथ की फेमस डिश डोसा। और डोसा बनाने के लिए हमको जो सामान चाहिए वो है ये हमने एक कटोरी चावल भिगोकर रख लिए थे। जैसे चावल हम इसमें महीन वाले नहीं लेंगे, अगर मोटे चावल हो गए तो डोसे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अगर एक कटोरी चावल है तो हम ये आधी कटोरी उड़द की दाल लेंगे धुली हुई, और आधी कटोरी लेंगे हम चने की दाल। ये हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी। उसके बाद भी इसमें हम डालेंगे थोड़े से मेथी के दाने, और इसमें हम थोड़ा डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो चलिए हम इन सबको मिक्सी में पीस लेते हैं। हमने जो चावल भिगोए थे वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने जो ये चने की दाल भिगोई थी वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर ये जो हमने उड़द की दाल भिगोई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। और जो हमने थोड़ा सा मेथी दाना भिगो कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। चलिए हम इसको पीस लेते हैं। ये हमने जो सब चीज़ मिलाकर हमने पीसी थी वो हमने इस भगोने में निकाल दिया। ये देखिए, हमको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये देखिए, हम इसको प्लेट से ढककर रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। इससे इसमें खमीर अच्छी तरह से उठ जाएगा। और ये डोसे ज़्यादातर चटनी के साथ खाए जाते हैं, और चटनी का वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम इसे 10 घंटे बाद खोल कर देखेंगे इसमें खमीर उठाया। डोसा बनाने के लिए घोल एकदम तैयार है, और इसमें हम जो सामान हमको चाहिए वो है ये जैसे इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़े से प्याज ऐड करेंगे, ये हमने थोड़ा सा बटर लिया है, और ये है कारम पूरी पाउडर, और ये है थोड़े से टमाटर। तो चलिए हम बटर डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसे का पैन गर्म हो चुका है, इसको हमने गीले कपड़े से पोंछ दिया था। हमने जो ये घोल तैयार किया इसको हम इस तरह से चमचा भर के पूरा फैला देंगे चारों तरफ। हम इसमें डालेंगे पिघला हुआ बटर, जो हमने पहले से ही पिघला कर रख रखा था। हम इसे सबसे पहले डालेंगे कारम पूरी पाउडर, और फिर हम डालेंगे जो हमने टमाटर महीन महीन काट कर रखे थे। उसके बाद हम ये प्याज इसमें फैला देंगे। और ये सभी चीज़ों को हम हल्के हल्के हाथ से इसको दबाकर और चारों तरफ फैला देंगे, और हम गैस धीमी करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे सभी सब चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी। अब हम इसमें बटर जो हमने थोड़ा रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे, और हल्के हल्के हाथ से इसको पूरा दबा दबा के फैला देंगे। हम इसमें ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि इसका नाम ही बटर डोसा है। इस तरह से हम फैला देंगे पूरा। बटर डोसा हमारा एकदम खाने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको धीरे से पलट देंगे। ये अच्छी तरह से सीख चुका है। अब हम इसको हल्के से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, बटर डालने से इसका कलर ही पूरा चेंज हो जाता। तो चलिए, हमारा बटर डोसा बनकर के तैयार है। अब आप हमारा वीडियो देखकर घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूले, और उसी के साथ हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे अपने मोबाइल पर डायरेक्टली।